हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हाउ इज़ दी IORA अ की ब्लॉक फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए कैसे ये अच्छा है। IORA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कैसे इंडिया के लिए मैनेज टू कीप आउट बिग पावर राइवलरीज, व्हाट आर इट फोकस एरियाज। तो देखते हैं कैसे ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। द स्टोरी सो फार, Reinforcing Indian Ocean Identity was the banner theme of the Indian Ocean Council of the Ministers held in Colombo on October 11 that was attended by foreign ministers and senior officials of the 23 nation grouping of the countries. This year conference was marked by the look of interests from other countries, especially those who are dialogue partner or would like to become dialogue partner, putting spotlight ऑन द 26-year-old ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 26 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, बिलीव टू बी अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। तो ये नेल्सन मंडेला जी इसको बनाए थे, उनका ब्रेन चाइल्ड है ये बोला जाता है, कि उनके दिमाग से ये चीज़ निकली थी तो ये बनी है, और ये 26 साल पुरानी चीज़ है। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या है इसके बारे में। वॉट इज़ द IORA, हाउ वॉज इट फॉर्म्ड। तो ये क्या है और कैसे बना था। द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इंक्लूड 23 नेशंस कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड लिटोरल स्टेट सिचुएटेड इन एंड अराउंड द इंडियन ओशन। द ग्रुपिंग हुज एपेक्स बॉडी इज द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर दैट मेट वंस ईयर, मूव बाय रोटेशन थ्रू मेंबर एवरी 2 ईयर। श्रीलंका took charge as chair this year from Bangladesh and India is vice chair, meaning that the Torika of IORA is within South Asian region. तो आप देखिए बांग्लादेश क्या है आपका, श्रीलंका took as a chair this year, तो श्रीलंका chair है, vice chair India है, और किससे लिया है, बांग्लादेश से। तो ये टोरिका है आपका अभी साउथ एशियन रीजन में, मतलब उसके जो मेंबर अभी टॉप पर अभी चल रहे हैं आपका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। IORA मेंबरशिप इंक्लूड 23 कंट्रीज। अब देखिए 23 कंट्रीज कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, कीनिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, UAE एंड येमेन। तो ये सारे कंट्रीज़ अगर आपको लोकेशन पता है तो ये सारे कंट्रीज़ आपके इंडियन ओशन के पास ही है। एक बार हम लोग इसका देख लेते हैं लोकेशन भी, जस्ट अ सेकेंड। IORA मैप कंट्रीज, देखिए कहाँ कहाँ पर है, इमेज में जाए हम लोग। देखिए ईरान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान, UAE, येमेन, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मॉरिशियस, कोमोरोस यहाँ पर, सेशेल्स, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। तो आप देखिए जितने भी कंट्रीज़ यहाँ पर हैं वो सारे के सारे आपके वही है जो आपके इंडियन ओशन में है। जो इंडियन ओशन पर शेयर कर रहे हैं आप देख लीजिए, जितने भी हैं सारे के सारे उनका प्रेजेंस इंडियन ओशन में है, तभी वो यहाँ पर इस लिस्ट में हैं। तो यहाँ पर जितने भी कंट्रीज आप देखिए इंडियन ओशन में हैं वो सारे के सारे IORA में है। आगे देखते हैं, इट हैज ऑल्सो 11 डायलॉग पार्टनर्स, चाइना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इटली, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, तुर्की, UK एंड द US। वाइल द IORA वॉज फॉर्म्ड इन 1997 द देन कॉल्ड इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। तो उसका पहले नाम ये था, 1997 में बना है इन मॉरिशियस। इट्स जेनेसिस केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ नेल्सन मंडेला। तो उनके स्पीच से इसका आइडिया लिया गया है। गेव स्पीच नेल्सन मंडेला गेव इन दिल्ली इन 1995। तो उन्होंने दिल्ली में ये स्पीच दी थी
और वो उसके बाद 1997 में IURA का फॉर्मेशन हुआ था. ही वॉज इन्वाइटेड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव एज अ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे एंड सेड एट अ सेरेमनी दैट इंडिया एंड साउथ अफ्रीका शुड एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ द आईओ इंडियन ओशन रिम ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड अदर पीसफुल एंडेवर्स दैट कुड हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज विद इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन सच एज यूनाइटेड नेशन द कॉमनवेल्थ एंड द नॉन अलाइंग मूवमेंट. तो ये उनके स्पीच से ही हम लोग इसकी आइडिया लेकर के IURA का फॉर्मेशन किया था हमने. वॉट डज वाई डज द IURA मैटर? तो इंडियन ओशन रीजन मैटर क्यों करता है? अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन 2.6 बिलियन पीपल लिव इन द रीजन एंड 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड ग्लोबल ऑयल ट्रेड 50% ऑफ द वर्ल्ड्स कंटेनराइज्ड कार्गो एंड 33 ऑफ इट्स बल्क कार्गो पासेस थ्रू इट. द रीजन प्रोड्यूसेस अ कंबाइंड टोटल ऑफ $1 trillion in goods and service and intra IORA trade is built around $800 billion. India's other regional organization like SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation, BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation faces their own challenges. While Quad, Quadrilateral Security Dialogue, has made progress, it remained US-led along with military allies Australia and Japan. Meanwhile, China is actively trying to rope in India's neighbor with grouping like the Belt and Road Initiative, China-India Ocean Region Forum on Development Cooperation, China-South Asian Countries Poverty Alleviation and Cooperation Development Center, which excludes India. So, इसमें वो इंडिया को रखता भी नहीं है चाइना. IORA, however, remains a safe space for India and other countries of the region that wish to keep out of the constant challenge of big rivalries. IORA membership is based on consensus, and Pakistan has not been admitted to the grouping since it first applied in 2001. तो पाकिस्तान को उस समय से अभी तक लिया नहीं गया. तो टेररिज्म थोड़ी बढ़ाना है हमें. On the basis that it has not extended MNF most favored nation status to India, making the IORA a less contentious space for India as well. Compared to grouping like the Shanghai Cooperation Organization, SCO. What does IORA focus on? According to its charter, the IORA's seven priority sectors are maritime safety and security, trade and investment facilities, fisheries management, disaster risk management, academic, science and technology, tourism and cultural exchanges, and gender empowerment. The IORA also runs a special fund in addition, disbursing $80,000 to $150,000 for product grants to member and has a particular focus on the climate change. It is clear that strategic issue and the importance of keeping a free and open sea lane guarding against piracy have become an integral part of the discussion. Speaking at the conference this year, External Minister S. Jaishankar stressed the importance of maintaining the Indian Ocean as a free, open and inclusive space where there was respect for sovereignty and territorial integrity based on the UN Convention on the Law of the Sea, isko UN clause hum log bolte hain, and in comment understood to be aimed at China, warned of the danger of hidden agendas, unviable projects or unsustainable debt to countries in the Indian Ocean region. Toh dekhiye exam point of view se hamare liye kya kya important ho jata hai isme. IORA इम्पोर्टेंट हो जाता है, बताना ही नहीं. इसके मेंबर कंट्रीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. कितने हैं? 23 है. कहाँ पे है? इंडियन ओशन रीजन में है. दो चीज़, पाकिस्तान पार्ट नहीं है, पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं, चाइना इसका पार्ट नहीं. दो इम्पोर्टेंट इसने अप्लाई कर रखा है 2001 से, हमने इसको लिया नहीं है. थर्ड, आप देखिए ये किसके स्पीच से निकला था? नेल्सन मंडेला के स्पीच से निकला था, जो उन्होंने दिया था 1995 में. कहाँ पे? दिल्ली में. ठीक है, दिया था. ये बना कब था आपका? 1997 में ये बना था. इसके आप देखिए, और अलग ग्रुप्स जैसे हैं उसकी राइवलरी, बिम्स्टेक,
ठीक है, बिम्स्टेक हो गया और सार्क हो गया, क्वाड हो गया, एस यू हो गया। देखिए सार्क, बिम्स्टेक, क्वाड, BRI एंड SCO भी था। BRI ये इसके कंपैरिजन में इंडिया इसमें काफ़ी पावरफुल पोजीशन पर है। एंड इनका आप गोल देखिए, 8 सेक्टर्स में इनके गोल थे हमने जैसे देखे। क्या था इनका प्रायोरिटी? मेरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, फिशरी मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, एकेडमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, कल्चरल एक्सचेंज, जेंडर एम्पावरमेंट। ये तो इसके गोल्स हो गए, तो इसके गोल्स हमें देख लेने चाहिए। ठीक है, और फ्री ओपन इंक्लूसिव स्पेस ये हमारे पास होना चाहिए। ये भी एक तरीके से हम लोग गोल में लिख सकते हैं। और ये किसको फॉलो करता है? यूएन क्लॉज को। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए इतना ही जानना इम्पोर्टेंट था, बाकी ये थोड़ा मैप वर्क करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, ये कंट्रीज है, ये हमें मैप वर्क करनी पड़ेंगी कंट्रीज की। आप देखिए ये बीच में इंडियन ओशन है हर जगह। तो बस इस आर्टिकल में हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।